तुमको ऐसा लगेगा कि तुम भी दोस्त बना सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो योग्यता भरी हुई है, सिर्फ तुम्हें सकारात्मक सोचना है और अपने अंदर इस भावना को लाना है कि तुम अकेले नहीं हो। विश्वास करो, तुम भी दोस्त बना सकते हो। टेक सम इनिशिएटिव, समस्या का सामना करो, उससे भागो मत, तुम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। मैं कमिंग सर। अरे ऑफिस तो काफी बढ़िया है आपका। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर मैं दो प्रॉब्लम में अटका हूं। अच्छा, आगे बढ़ो। सर मुझे आर्मी की तरफ से इंटरव्यू लेटर मिला है। ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर इसी में दो प्रॉब्लम है, या तो मुझे सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें दो प्रॉब्लम है सर। या तो वो मुझे किसी कैंट में भेजेंगे या तो किसी बॉर्डर में भेजेंगे। अगर कैंट में भेजेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बॉर्डर में भेजेंगे तो वो प्रॉब्लम है। या तो बॉर्डर में दुश्मनों के साथ युद्ध होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर होगा तो उसमें दो प्रॉब्लम है। अगर युद्ध लड़ा तो या तो मारा जाऊंगा या बच जाऊंगा, और अगर मर गया तो आउट। तुम्हारे प्रॉब्लम का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा मत कहो सर, मेरी डेड बॉडी वहां पड़ी है, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो। सर या तो मेरी बॉडी फौजी वाले लेके जाएंगे और सम्मान के साथ दफना देंगे, या तो वहां ही पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। और अगर वहां पड़ी पड़ी सड़ गई तो सर दो प्रॉब्लम होगी। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। अरे तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे अपने विचारों को बदल सकते हो? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर अमित को देखो, उन्होंने निश्चित कर दिया है कि कोई अलौकिक सामर्थ्य नहीं है। हाँ कपिल, हम भी ऐसा ही सोचते थे कि कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन अब हमारे जीवन बदल गए, हमने ये अनुभव किया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो हम कभी भी अपने जीवनों को नहीं बदल सकते थे। मुझे नहीं पता तुम्हारी बुद्धि को किसने भ्रष्ट करा है, बिना तर्क की बातों पर विश्वास करते हो। कपिल, ये हमारी बुद्धि या तर्क की बात नहीं है। हमारी जो बुरी आदतों के कारण हमारे परिवार में जो तनाव होता था, वो परमेश्वर के प्यार ने उसको बदल दिया है। सच बोलूं कपिल, हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। हमारे परिवार में शांति है, हम खुश हैं। ठीक है, तुम्हारी और मेरी नहीं बन सकती। तुम अब अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। मेरा नाम स्मिता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हर सप्ताह आपका शो टीवी पर देखती हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम क्या करती हो स्मिता? सर मैं MBA कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है एलिना। क्या एलिना भी तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, ये मेरी क्लासमेट है। ये दी पैलेस होटल के मालिक राज सिंह की बेटी है। अभी अभी इसके लिए इंग्लैंड से एक रिश्ता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अलीना प्लीज, अलीना रो मत। अलीना, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? अच्छा अलीना, अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई नहीं समझता, जिसे मैंने खुद से ज्यादा प्यार किया और जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया।
यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरा जीवन उस पर निछावर कर दिया, और आज वो मुझे अकेला छोड़कर और मेरा भरोसा तोड़कर चला गया। देखो, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे तुम्हारे सामने बहुत बड़ा भविष्य पड़ा है, उसके बारे में सोचो। मैं कैसे किसी और को अपना जीवन साथी बना सकती हूँ? अब मैं फिर से अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। मैंने अपना पूरा जीवन खो दिया है। मैं अपने भावी जीवन साथी की तरफ कैसे ईमानदारी दिखा सकती हूँ, और ईश्वर की ओर भी? ईश्वर? ईश्वर से हमें क्या लेते हैं? वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। अपने भावी पति के लिए तुम्हें यह सब कुछ भूलना होगा। किसी अलौकिक शक्ति से ज्यादा तुम में अपने मन को नियंत्रित करने की ज्यादा क्षमता है। तुम अपने आप को नियंत्रित कर सकती हो। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, सकारात्मक सोचो, और याद रखो कि तुम एक सफल जीवन जी सकती हो। मैंने बहुत कोशिश की है उसे भुलाने की, लेकिन उसे भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। ओके अलीना, मुझको जाना होगा, मेरा किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अपने सोच को बदलने की तुम्हें जरूरत है। ये मेरा कार्ड है। थैंक यू सर। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर सकती हो, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। ओके। सर, मेरी हड्डियों को या तो मिनरल फैक्ट्री वाले ले जाएंगे, या फिर टिश्यू पेपर बनाने वाली कंपनी ले जाएगी। सर, सर मैं टिश्यू पेपर नहीं बनना चाहता। 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 अच्छा, उठो उठो। हेलो, हाय रोज, दिस इज ऐश। हे, कंग्रेचुलेशंस यार, तुमने बताया नहीं कि क्लास में तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। आज तो तुम्हें पार्टी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर। पहले पापा को तो घर आने दो, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी और हम पार्टी करेंगे। अच्छा, तुम बोलो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? यार, मैं तो बाल बाल बची हूँ, लेकिन तुम्हें पता है राहुल तो साइंस में फेल हो गया। अच्छा अच्छा, अब मैं रखती हूँ, अगर मम्मी ने देख लिया तो। अच्छा, भूलना मत पार्टी। हाँ हाँ, मुझे याद है। ओके ओके देन, बाय। हाँ, अरे खुराना साहब को 1 तारीख की डेट दे दो ना। हाँ हाँ, यही कहीं घर में पड़ी होगी फाइल, देखता हूँ। तुम मुझे फिर फोन करो दोबारा। ओके। कहाँ गई यार? पापा, आप आज भी लेट हो गए। थोड़ा मीटिंग में फंस गया लड़का। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है पापा। क्या बात, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। आज मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है। हाँ हेलो। हाँ भैया, ढूंढ रहा हूँ, जरा देख रहा हूँ, इसी काम में लगा हुआ हूँ। पापा, ये मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। हाँ, ये रखी है यार यहाँ पर। या हाँ हाँ, वही बातें लिखी हुई है जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था, वही सब है।
ठीक है तो एक एक के दे दो ना थोड़ा सा। ठीक ओके दे ओके। हाय 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 आओ यार बैठो। ठीक हो? बढ़िया अपना सुनाओ। बस ठीक है। परिवार सब ठीक है? सब ठीक। तुम सुनाओ यार, बड़े दिनों बाद दिखे हो। क्या करें, व्यापार में इतने व्यस्त है बस क्या करें। आप सुनाओ आपका कैसे चल रहा है? अरे अपना क्या यार, लोग और उनकी प्रॉब्लम्स। आपको तो एक ही रूटीन चल रही है। क्या करें, चलो यार चलो बाहर जाके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। चलो। हाँ कमाया तो बहुत कुछ है और सब कुछ तो मेरे पास है, अच्छा परिवार, धन दौलत सब कुछ, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा है जो हमेशा सताता है। पता नहीं कुछ कमी सी महसूस होती है। मैं जानता हूँ मेरे हृदय के किसी कोने में एक चीज़ की कमी है और मेरे सारे परिश्रम भी मिलकर इस खालीपन को नहीं भर पा रहे। शायद सूरज और मल्होत्रा ठीक ही कहते हैं, कोई अलौकिक शक्ति ही इसे पूरा कर सकती है। अलौकिक शक्ति? नहीं कपिल, कोई अलौकिक शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन यह हमारा मन ही है जो हमें नियंत्रित करता है। कोई अलौकिक शक्ति मनुष्य की तकलीफों को नहीं समझ सकती और ना ही हमारे दुखों का अनुभव कर सकती है। लेकिन सूरज और मल्होत्रा के जीवन में तो कुछ और ही हुआ है, वे अपने आप को कभी बदल नहीं सकते थे, लेकिन कुछ तो है जिसने उन्हें बदल दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो सूरज और मल्होत्रा के बारे में जानते हो, हम मिलकर घंटों बार में बैठ के मजा किया करते थे। अब वो बदल गए, वे ना बार में आते हैं ना शराब पीते हैं। मुझे नहीं पता उनके जीवन में ये बदलाव कैसे आया। अब उनके परिवार में भी खुशी है, लेकिन मैं, मेरा परिवार, इतना धन होने के बावजूद भी पता नहीं। उनका क्या कहना है, वे अपने इस बदलाव के विषय में क्या कहते हैं? ये बहुत अजीब बात लगती है। वे कहते हैं कि उन्होंने कोई अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त कर ली है। जब वे बोलते हैं बोलते ही चले जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या आप शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर रंजीत को जानते हैं? वे भी उनके साथ हैं और तीनों एक ही बात करते हैं। कौन? डॉक्टर रंजीत? वो भी उनके साथ मिले? तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद? जो वो कहते हैं क्या हम उसे गलत सिद्ध कर सकते हैं? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं यह साबित करके दिखा दूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी मूर्खता है और वो अलौकिक शक्ति उसे मैं खत्म कर दूंगा और उस पर माला चढ़ा दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वो कहते हैं क्या हम उसे गलत सिद्ध कर सकते हैं? डॉक्टर रंजीत को जानते हैं? वे भी उनके साथ था। शालिनी, आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ओके सर।